नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 2600 के करीब जा पहुंची है। 2574 कुल आंकड़ा है बिहार में कोरोना संक्रमितों का और 63 नए मरीज सामने आए हैं। रात को जो अपडेट जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, उसमें 63 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और 63 नए मरीज मिलने के बाद 2574 आंकड़ा हो गया है, 2574 हो गई है बिहार में कोरोना संक्रमितों की। सबसे अहम बात यह है, सबसे कह सकते हैं कि चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि पटना से 4 कोरोना मरीज मिले हैं और पटना में कोरोना संक्रमण का दोहरा शतक हो गया है। 200 की संख्या हो गई है पटना में कोरोना संक्रमितों की। और एक और बात कि पटना के कई नए इलाके कोरोना की जद में आए हैं, तो उन तमाम चीज़ों की जानकारी आपको देंगे। कोरोना को लेकर जो अपडेट है वो लगातार हम आपको बता ही रहे हैं। तो सबसे पहले जानकारी ये कि 63 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। 63 नए मरीजों के बाद आंकड़ा 2574 हो गया है। पटना से जो 4 मरीज मिले हैं, उसके बाद पटना में पहले कोरोना संक्रमितों की संख्या 196 थी, 4 नए मरीज मिलने के बाद 200 हो गई है। और पटना में नए इलाके जैसे संपतचक बैरिया, दीदारगंज, कुम्हरार और मंदिरी, इन इलाकों से मरीज मिले हैं। दीदारगंज और कुम्हरार वो इलाके हैं जहां से अब तक मरीज नहीं मिले थे, कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया था, लेकिन अब इन इलाकों से भी एक एक मरीज मिल गए हैं। तो जाहिर है आंकड़ा बढ़ रहा है, नए इलाके भी कोरोना संक्रमण की जद में लगातार आ रहे हैं और संक्रमितों की संख्या तो बेतहाशा अब बढ़ रही है। 2574 हो गई है, यानी 2600 के पास बिहार जा पहुंचा है। कोरोना संक्रमण के मामले में बिहार टॉप 10 राज्यों की सूची में शुमार है। बिहार उन राज्यों की लिस्ट में है, बिहार उन राज्यों के साथ खड़ा है जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार खूब तेज है, जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पंजाब जैसे राज्य को बिहार ने पीछे छोड़ दिया है। अगर कल की बात करें तो कल सिर्फ 180 मरीज मिले हैं, यानी एक दिन में 180 मरीज मिले हैं। एक वक्त था जब 180 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि होने में बिहार को कई दिन लगते थे, अब एक दिन में 180 मरीज मिले हैं, एक दिन में 223 मरीज मिल रहे हैं। तो लगातार संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है, संभलने की ज़रूरत है, हमारी आपकी जिम्मेवारी और बढ़ गई है। नए इलाके जद में आ रहे हैं, मृतकों की संख्या बढ़ रही है और एक दिन में 180 मरीज मिल रहे हैं, औसतन 100 से ज़्यादा मरीज मिल ही रहे हैं, तो ये बताता है कि संकट कितना गहरा होता जा रहा है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।